बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम लियो, हाउ आर यू? कैसा जा रहा है? एंजॉय किया होगा आपने। मैं अजमल रहीम आपका एस्ट्रोलॉजर। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, बिलखसूस आपका 28 जून से 4 जुलाई के दौरान एंड आ रहा महीने का। ख़र्चे खूब किए होंगे, पिछला हफ़्ता खूब एंजॉय किया होगा, बड़ी मौजें की हों। और मेरा एक लियो वकील दोस्त है, ही इज़ कंटिन्यूसली हेल्पिंग मी विदाउट एनी एक्सपेंडिचर, विदाउट एनी वो कह रहे फीस, बट वो मेरे साथ मेरे मुख्तलिफ केसेस में मुझे हेल्प आउट कर, और बहुत बाबर नाम है उनका, वकील है। एनी हो, आगे चलते हैं। हफ्ता इतवार आपका काफ़ी रोमांटिज़म में गुजरा होगा, बेगम साथ होगी, स्पाउस आपका आपके साथ होगा, खूब अटकेलियाँ भी की होंगी, खूब आप लोगों ने इन्जॉय भी किया होगा, कोई ना कोई अच्छे खाने खाए होंगे, या कोई पिकनिक मनाई होगी, या कोई कुछ ना होगी, और काफ़ी रेस्ट भी किया होगा। उसी मोड़ के साथ आप मंडे को आप आएंगे, सातवें का लॉर्ड सातवें में, और जब ये चीज़ें होती हैं तो बंदा थोड़ा सा घर की तरफ तवज्जो देता है, मियाँ बीवी में आपस में एक बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पर आपकी आप जो अगर मेल हैं तो आपकी वाइफ बहुत काम करती नज़र आ रही है, बहुत वो आपको हर किस्म की सपोर्ट करेंगे, लेकिन रेसिप्रोकल आप थोड़ा सा टांट करते नज़र आ रहे हैं। उसके साथ आप उसकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी अच्छा ये आपने इतवार को ये जैसे होते हैं मुस्बत ज़िंदगी जिसे कहते हैं वो गुजरी, और ये दिन भी उसी तरह ही गुजरेगा, और आपको अपने पार्टनर से जिस्मी और जिस्मानी व जिनसी सुकून ज़रूर मिला, और जिससे घर के हालात बहुत सुकून थे, आप खुद मेंटली बहुत इन कह लें कि ठंड प्रोग्राम में थे, रिलैक्स थे, नींद कमाल की आई होगी। अच्छा यहाँ पे आप मियाँ बीवी में ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो आपके आँखों के इशारे से एक दूसरे को पैगाम देंगे तो वो समझ जाएंगे, और दूसरों से मिलके जो कारोबार करते हैं शराकतदारी वो उनका बहुत ही अच्छा होगा। ये तो हो गया ना सातवें का लॉर्ड सातवें में जब जाता है, तो यहाँ पे जब 28 को वो लो यहाँ पे आपको कोई ना कोई पार्टनरशिप मिलती नज़र आ रही हो, कोई पार्टनर आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो आपको सपोर्ट करेगा, या आपको स्पॉन्सर करेगा, या आपको कोई ना कोई फ़ायदा देगा। अपना यहाँ पे आप अपने आप को रीएडजस्ट रीऑर्गेनाइज और रीअसेंबल करते नज़र आ रहे हैं, नई साफबंदी के साथ तैयारी करते नज़र आ रहे हैं, और कोई अच्छा बिजनेस लॉन्च करते नज़र आ रहे हैं। आपको आगे से संजीदा पार्टनर मिलेगा जो आपके साथ मेरा वो अपनी दिल से आपके साथ चलेगा, बस थोड़ा सा ये होगा कि टाइम ज़ाया होगा क्योंकि डिले वगैरह होगा, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चलते नज़र आ रहे हैं। आपको पता सातवां घर तो मैंने वो बता दिया है कि जो बेगम के साथ आपका जो चलता है वो मैंने वो पहले बता दिया, लेकिन यहाँ पे आपका यानी कि मैंने स्पॉन्सरशिप बता दी, फॉरेन अगर आप बाहर हैं तो वहाँ पे आपको बड़ा ऑनर मिलेगा, आपको बहुत इज्जत मिलेगी बहुत ज़्यादा, और आप वैसे ही साजदान के आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की कि लोग देखते ही एक दफ़ा तो एक चीज़ मैं बता दूँ, लियो महफल में हो जहाँ हो बाज़ार में हो शक्ल से पता चल जाता है ये लियो है, रख रखाव आपका उठना बैठना आपकी प्रेजेंटेशन कपड़े पहन के और उसको प्रेजेंट करना संभालना वो हर किस्म का काम है सिर्फ लियो। मसलन अगर आम बंदा साड़ी पहने ना ख़वातीन तो वैसे लगता है जैसे धोती बांधी हुई, अगर लियो से साड़ी पहने ख़वातीन तो ऐसी स्टाइलिश तरीके से वो साड़ी पहनती हैं जैसे वो इंडिया की फिल्में नज़र आती हैं ना उस तरह, कपड़े पहनेंगी बड़े स्टाइलिश तरीके से, दुपट्टा बड़ा स्टाइलिश तरीके से लिया होगा, इसी तरह पैंट कोट टाई या शर्ट ये मेल हो वो उनकी बनावट ही बता देगी कि ये लियो है, आँखें बता देगी ये लियो, माथे की लाइनें बता देगी ये लियो, तो इस किस्म का उस दिन आपके साथ बहुत ही आपको मिलेगा सातवां घर। अच्छा फिर कंपैटिबिलिटी बड़ी अच्छी होगी मियाँ बीवी की, घर में माहौल बहुत अच्छा होगा, पार्टनरशिप का भी माहौल बड़ा अच्छा होगा, और आपके फॉरेन अफेयर्स भी बड़े अच्छे चलेंगे। आगे चलते हैं, किधर गया लियो, तो आपकी तारीफें करके ना मत
और हर चीज़ भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों। लियो जब आता है ऐसे लगता है दिमाग के अंदर जैसे ना, वो एक फिल्म है मैं हूँ ना, वो जिसमें शाहरुख देखता है ना मिस चांदनी को, तो उसके पीछे म्यूज़िक बजना शुरू हो जाता है और गाना शुरू करता है। तो जब लियो का जिक्र आता है तो मेरे पीछे भी म्यूज़िक बजना शुरू हो जाता है और मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, सहर कर देते हैं आप लोग मुझे। तो इसलिए मैं फिर आपकी ना अच्छी अच्छी बातें निकाल के, इस वक्त पीछे ना 5-6 वायलिन वाले बंदे हैं ना इस वक्त चल रहे हैं। एनी हो, मजाक कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, वैसे दिल लगी करने का मज़ा आता है। आगे चलते हैं। 29-30 को आपका 8वें का लॉर्ड 8वें के घर में है और बड़ा पॉजिटिव बैठा है, तो यहाँ पे आप बड़ा स्यारा बैठा है, लिहाजा कोई विरासती जायदाद कोई इस किस्म का आप काम करेंगे, कोई हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेंगे या कोई वहाँ पे अपनी जायदाद को ऐसे सोचेंगे कि जैसे कि यहाँ पे कोई ना कोई चैरिटी का काम हो जाए, लोग इंसानियत की मदद भी हो जाए, तो इस किस्म का भी आपके अंदर दिमाग में एक छठी इस बड़ी तेज़ होगी, सेहत बड़ी अच्छी होगी आपकी और कुछ दिखलाने का जज्बा होगा, बहुत एक्टिव होंगे उस दिन। और आपको पता है 8वां घर वैसे भी नेगेटिव है लेकिन किसी किस्म की डिस्ग्रेस नहीं होगी, इज्जत मिलेगी उस दिन आपको और कोई मेंटल वरीज नहीं होंगी, आपका कुछ गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी, आपके ये कोई ना कोई गिफ्ट आ जाएगा, आपका हिडन वेल्थ आ जाएगी, लेगेसी आ जाएगी, आपके स्पाउस का अर्निंग है तो बहुत पैसे भी आ जाए। तो ये 29-30 लियो आपको बहुत ही एडवांटेज है। अब आगे आ जाए 9th 1-2-3 जुमेरात, सॉरी बुध जुमेरात नहीं जुमेरात जुमा हफ्ता, ये जो 3 दिन है ये आपके 9th हाउस में आपका और इसका लॉर्ड आपके पहले घर में बैठा है। और जब 9th हाउस का लॉर्ड पहले घर में जाए तो ये ज़रा सुनिएगा, हम गौर से सुनिएगा क्या होता है। ये उस दिन आपका ये मोड होगा, सारे ऐसे लगेगा जैसे जो भी आप चीज़ खुशी की, जैसे ऐसे लगेगा जैसे आप चाहते भी नहीं लेकिन खुद चल के खुशी आएगी। खुशी वो फिल्म वाली खुशी ना, करीना कपूर को ना समझिएगा कि वो खुशी, यानी कि यहाँ पे हैप्पीनेस मैं कह रहा हूँ, करीना कपूर को ना समझ लेना, वो चल के खुद आएगी। हर छोटी ख्वाहिश आपकी दूसरे लोग पूरा करते नज़र आएंगे, आप यहाँ पे लोग आपकी मदद करते नज़र आ रहे हैं और उस दिन आपका बड़ा जेन बड़ा पकीज़ा होगा, मस्त भी होगा और आपकी आपके अच्छे ख्यालात रिलीजियस ख्यालात की वजह से लोग आपसे बहुत मुतासर होंगे। उस दिन चेहरे पे नूरानियत होगी, लियो वैसे नूरानियत आपके तो हर वक्त रहती है बट वो दूसरी शौकी नूरानियत होती है, यहाँ पे रिलीजियस नूरानियत होगी। और आपका अगर वो जो बाहर कारोबार करते हैं बाहर के लोगों के साथ, वो बहुत ही बाहर गैर मुल्कियों की तरफ से आपको बहुत कोऑपरेशन मिलेगा, वो लोग आपके पास खुद आएंगे, कहेंगे आप हमारे साथ काम करें हम आपके साथ ये कर दें, एडवांटेजेस यहाँ पे आपको मिलते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप अच्छा वो जो फॉरेनर्स होंगे वो अगर आप बाहर रह रहे तो फॉरेनर्स जो है ना वो आपके पीछे आपको लीड करने के लिए कहेंगे और आपके पीछे पीछे चलने को तैयार होंगे, आपके अंदर एक मकनातीसी कुव्वत आ जाएगी जिससे वो आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। तस्माती व सैरकुन शख्सियत होगी आपकी, सैरकुन तरीके से आप होंगे, पता नहीं क्या करेंगे उस दिन, मुझे तो समझ नहीं आ रही इतनी अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं उस दिन आप क्या कर लेंगे। और हर मामले में आपको सपोर्ट मिल जाएगी, ख़ास तौर पर वो मजहबी रहनुमा जो बाहर के मुल्कों में जाके प्रीच करते हैं वो बहुत इन होंगे, वहाँ पे भी अपनी छोटी छोटी जमातें बना लेंगे, यहाँ पे सर्विस देंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, उस दिन उनकी उठान होगी बहुत ज़्यादा। ये तो जनरल आ गया। अब 9th हाउस देखते हैं क्या है। 9th हाउस पता है आपको धन दौलत ये बड़ा कुछ किस्मती कुछ भक्ति, यहाँ पे आप फॉरेन ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं। अच्छा ये फॉरेन ट्रैवलिंग ऐसी होगी जिस पे या तो ये मजहबी सफ़र होगा या फिर कोई पढ़ने के लिए ये पढ़ाई के लिए हायर एजुकेशन के लिए ये सफ़र होगा या ये उधर से आपका 5वां घर भी बनता है, या आप अपने बच्चों के साथ दोस्तों के साथ किसी रिक्रिएशन पे जाते नज़र आ रहे हैं और बड़ी प्लानिंग के साथ। जब मून एरीज में होता है बंदा सफ़र करता है, वो भी खुश सफ़र, ये बददिली वाला सफ़र नहीं होता, खुशगवार सफ़र होता है,
तो उस दिन ये मैंने जो तीन कैटेगरी बताई हैं उस सफ़र में आ पाएंगे। ये उर्दू का सफ़र होगा, इंग्लिश का सफ़र नहीं होगा, मैं पहले आपको बता दूँ। अच्छा, और जहाँ भी जाएंगे आपको बहुत फेम मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी और आपका विजडम बहुत बेहतर होगा। यहाँ पे आप लोगों की मदद भी कर, रास्ते में किसी श्राइन पे भी रुक जाएंगे, वहाँ पे भी दुआ मांगते जाएंगे। वैसे अगर फ़र्ज़ कर आप मर जाते हैं तो रास्ते में हज़रत इमाम बरी का मज़ार आ जाता है, क्यों ना मैं दुआ करते जाऊँ, इस किस्म का मोड भी हो सकता है। यह आपकी कैलेंट है, वो मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल होगी, बहुत ही पावरफुल होगी। वजदानी कफ़ियत होगी, फार साइटेड होंगे, रास्ता सफ़र भी करेंगे तो तस्बीह करते या कोई ना कोई अपना मजहबी तस्बीह करते हुए अल्लाह का नाम लेते हुए जाएंगे। इंट्यूशन बहुत होगी, यहाँ पे तीसरे बच्चे की कंसेप्शन की भी खबर मिल सकती है। तो रिसर्च वर्क में ख़ास तौर पर यहाँ पर आपका, अगर फ़र्ज करें आप बाहर हैं या पाकिस्तान में भी है, पीएचडी का थीसिस है, उसका डिफेंस है, उस डिफेंस में आप बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत ही तेज़ तेज़ और बड़ा कह रहे हैं समझदारी से, और जब आप अपना डिफेंस ख़त्म होगा तो आपका सुपरवाइज़र आपको क्लैप्स करेगा या आपकी तारीफ करेगा, बाद में आप बड़ा आपकी यानी कह रहे हैं कि एक रिस्पेक्ट मिल जाएगी। अगर आपका कोई रिसर्च वर्क है तो आपकी मर्ज़ी का टॉपिक आपको मिल जाएगा, यहाँ रिसर्च में आपको बहुत अच्छे एडवांटेजेस मिल जाएंगे। यहाँ पे आप फ्लाई काम भी बहुत करेंगे, चैरिटेबल होंगे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और किसी कह लें कि अजीब सी आपके अंदर एक फीलिंग होगी, पॉजिटिव फीलिंग होगी, जिसको आप इंजॉय करते जाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। और ये यकम दो तीन ये आपका बहुत अच्छा होगा, ताज़े ताज़े पैसे भी आए होंगे तो इसलिए थोड़ा सा खर्चे पे कंट्रोल करना होगा, अननेसेसरी खुशी में बहुत ख़र्चा नहीं कर देना। लियो वैसे भी अपने ऊपर ख़र्चा करने से तो रुकते ही नहीं ना, कपड़े घर में पड़े भी हों तो फिर भी कपड़े खरीदने, ज्वेलरी पड़ी हो जो चीज़ अच्छी नज़र आएगी खरीद लेंगे, जूती ले पड़ी आएगी जूती ले लेंगे, टिप टॉप टिक 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 ये आप पे ख़त्म। अच्छा, अगर इन केस आपके फाइनेंशियल इशू ज़्यादा हैं तो फिर लियो जो होते हैं ना पुराने कपड़ों को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कोई दुपट्टा कोई और ले लिया, मैचिंग कर ली, या कोई टाई और लगा ली, कमीज़ और लगा ली, फिर भी ऐसे लगता जैसे वो कोई बड़ा सज संवर के आए हैं। आगे चार इतवार को आप घर में गुजारते नज़र आ रहे हैं, रेस्ट करते, वालिद साहब के साथ गप्पे लगाते नज़र आ रहे हैं, आपको कोई ना कोई बिजनेस की तरफ से भी कोई आ जाएगा, क्योंकि दसवें का लॉर्ड इस वक्त आपके पहले घर में बैठा है और वहाँ पे मार्स भी बैठा है, वीनस और मार्स इकट्ठा है, तो नफसियाती तौर पर बहुत मजबूत होंगे लेकिन अमली तौर पर ढीले होंगे, ठीक है, और अपनी खुद नुमाई पे काम करते हैं। उस दिन आप शोखियाँ बहुत मारेंगे, ओ मैंने ये कर दिया, मैं वो हूँ, मैं बड़ी 30 मार खान हूँ, इस किस्म की बातें अपने आप को उठा के रखेंगे, चुप के रखेंगे, और अपने अपनी दौलत कमाई हुई साख और अपने असर सूग अपने स्टेटस को दूसरों पे मुतासर करने पे पूरा जोर होगा, ठीक है, और ऐसा लगेगा जैसे दौलत खर्च करके आप अपने बड़ा आदमी बनने की कोशिश करेंगे। और आपकी जो स्पाउस होगा ना बिला वजह कीमती चीज़ें खरीदने की कोशिश करेगा। अच्छा, बस दफ़ा आपके अंदर एक चीज़ आ जाएगी, मैं पहले आपको बता दूं कि कोई लालच आपके अंदर आएगा, जिसकी खावस जिसे कहते हैं, आप बहुत खुदगर्ज मतलब प्रस्त और बेरहम होकर ना बिहेव करेंगे, तो ये आपकी शख्सियत पर एक दाग है, इस तरह नहीं करना आप, और अपनी शख्सियत को दूसरों के पर रोब नहीं डालना, ये वक्ती रोब होगा लेकिन बाद में लोग आपकी पर्सनालिटी के बारे में बातें बड़ी करेंगे। ये आदत होती है बाज़ बंदों में कि जो वो अननेसेसरी अपनी शख्सियत का रोब डालते हैं, तो वो नहीं डालना, जितना हम्बल रहेंगे लो की पे रहेंगे उतना ही अल्लाह ताला की तरफ से आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे। अच्छा, जहाँ पर आपको शोहरत मिलेगी ना वहाँ पर बड़ा ख़र्चा भी कर देंगे, तो अपना बजट डिस्टर्ब कर देंगे। लियो हफ्ते का एंजॉय कीजिएगा लेकिन नॉट ऑन द कास्ट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ योर बजट, अपने एक्सपेंडिचर और अपनी इनकम को बैलेंस करके चलना होगा, और आप इस हफ्ते आप खूब एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं,
बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला की रहमतें आपके ऊपर होगी और खूब मज़े भी करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। लियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकॉन बेल भी दबाइएगा, लाइक और डिसलाइक का भी दबाना है, और कमेंट्स बॉक्स में आपका कमेंट्स इंशाल्लाह ताला आपका मैं मुंतज़र रहूँगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।